गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बिटर स्वीट व्लॉग। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ। दिस वीडियो इज फॉर ऑल द ब्यूटी लवर्स आउट देयर। मैं डिस्कस करूंगी मेरा फेवरेट मंथ की फेवरेट कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो डिले नहीं करके लेट्स गेट स्टार्टेड। So this video is going to be all about the makeup products which I am enjoying right now for the February month. This is a very beginner friendly makeup products. मैं आपको बोल सकती हूँ जिन लोग को professional makeup artist जो लोग नहीं है, जिन लोग को makeup करना एकदम से नहीं आता या फिर जो लोग beginner है उन लोग के लिए चीज बहुत helpful है, क्योंकि I am not also a professional makeup artist। मैं जो भी सीखी हूँ वो ऑनलाइन सीखी हूँ, तो वो मेरे को हेल्प कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप लोग को भी हेल्प कर सकता है। सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम एंजॉइंग राइट नाउ इज द एल्फ ब्रशेस। एल्फ का 12 ब्रशेस मेरे पास है। दीज आर द ब्रशेस। इसका देख सकते हो ब्रिसल कितना अच्छा है, लाइक लुक एट द ब्रिसल। अच्छे से आपका मेकअप को ये ब्लेंड कर रहा है, मतलब मेरा मेकअप को इतना ड्रीमी वे में ब्लेंड कर रहा है। पहले आई यूज टू यूज माय हैंड फॉर ब्लेंडिंग द मेकअप, देन मैं स्पंज यूज करना स्टार्ट की, क्योंकि उस टाइम में सब कोई बोलता था कि स्पंज यूज करने से मेकअप अच्छे से ब्लेंड होता है, बट मेरा मेकअप अच्छे से ब्लेंड नहीं होता था। देन राइट नाउ आई एम यूजिंग द एल्फ ब्रशेस। 12 ब्रश आता है एंड माई मेकअप इज ब्लेंडिंग लाइक ड्रीम, मतलब इतना फ्लॉलेसली ब्लेंड हो रहा है। एवरी वन इज एप्रिशिएटिंग माई मेकअप। द प्राइस पॉइंट ऑफ दीज 12 ब्रशेस इज 1490, बट ये वन टाइम परचेज है। अगर आप लोग ये परचेस करोगे तो वो लाइफ लॉन्ग आप लोग के साथ रहेगा, मतलब इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, दैट्स वॉट आई फील। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आर द एल्फ ब्रशेस। द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई एम एंजॉइंग राइट नाउ इज द मूडीज सनस्क्रीन। लाइक माई स्किन टोन इज नॉट, आई एम नॉट अ वेरी फेयर गर्ल, आई एम नॉट अ डार्क स्किन गर्ल। मेरा मीडियम, लाइक आई एम अ मीडियम स्किन टोन पर्सन, तो मेरा अगर कुछ भी इधर उधर होता है आई लुक वेरी केकी, मेरा एकदम व्हाइट वॉश हो जाता है। तो आई हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट वॉट प्रोडक्ट्स आई यूज। सो जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं दे नो माई स्किन टोन। मैं कुछ भी लगाती हूँ मेरा मतलब टिंट आ जाता है, या फिर मेरा स्किन अच्छे से उसको शो कर देता है, बहुत केकी लगता है। तो आई नीडेड अ सनस्क्रीन विच विल नॉट मेक मी लुक केकी, एंड मेकअप बहुत अच्छे से उसमें हम कर सकते हैं। वैसा सनस्क्रीन के सर्च में मैं थी। सो द मूडी सनस्क्रीन इज वन ऑफ द सनस्क्रीन्स। ये वाला है सनस्क्रीन, आप लोग देख सकते हो ये मूडी का जो सनस्क्रीन है, दिस इज SPF 50 PA++++ एंड दिस इज 70 हाइड्रो बर्स्ट। लाइक ये इतना अच्छे से आपका स्किन में बैठ जाएगा। इट्स वेरी लाइक वाटर कंसिस्टेंस इसमें ज्यादा है, लाइक इट्स रिटन हाइड्रो वाटर सनस्क्रीन। लाइक ये इतना अच्छे से आपका मेकअप को हेल्प करेगा ब्लेंड करने में, एंड दिस विल नॉट गिव यू लाइक जो होता है ना आपका मेकअप केकी लगता है या फिर आपका स्किन व्हाइट हो जाता है, वो नहीं होगा। द प्राइस ऑफ द मूडी सनस्क्रीन इज 450 रुपीज। सो द नेक्स्ट थिंग राइट नाउ विच आई एम एंजॉइंग इज द प्लम बॉडी लविंग बॉडी शिमर ऑयल। सो आप अगर बॉडी शिमर ऑयल पसंद करते हो, सो प्लम का ये बॉडी लविंग बॉडी शिमर ऑयल इज रियली रियली गुड। मैं इसको अच्छा खासा यूज करती हूँ व्हेन आई वेयर स्लीवलेस और मेरा लाइक गले के पास में इसको यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा लाइक ग्लोइंग सा फिनिश देगा। एंड आई नो कि ये विंटर सीजन था तो उतना यूज नहीं हुआ, बट समर इज राउंड द कॉर्नर। समर ऑलरेडी घुस गया है कोई कोई पार्ट्स ऑफ इंडिया में। सो आप लोग अगर स्लीवलेस पहनते हो कोई मेहंदी में या संगीत में, इतना सारा शादी हुआ लाइक फेस्टिवल्स होता है, तो उसमें अगर आप लोग अपना आर्म एरिया में या फिर आपका नेक में, आपका बैक में ये बॉडी ऑयल रब मतलब लगा लेते हो, तो आप लोग को बहुत ही एक अच्छा सा ड्यूवी सा फिनिश आएगा, विच आई रियली रियली लाइक, व्हाट दैट इज व्हाट आई फील। एक बहुत अच्छा सा ड्यूवी सा फिनिश आएगा, एंड दिस वन इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टोन्स। ये जस्ट एक ऑयल है, उसमें शिमर पार्टिकल्स है एंड वो बहुत अच्छा सा ग्लो देता है स्किन में। द प्राइस ऑफ दिस प्लम बॉडी लविंग शिमर ऑयल इज 473 रुपीज। द नेक्स्ट थिंग विच आई एम एंजॉइंग, मैं सब कुछ मैं बोल रही हूँ कि आई एम एंजॉइंग टू द कोर, बट दिस थिंग आई एम रियली रियली लविंग राइट नाउ इज द टू फेस्ड बॉन्ड दिस वे कंसीलर। द प्राइस ऑफ दिस कंसीलर इज 1880 रुपीज, बट मैं अपने सब दोस्तों को बोलती हूँ कि आप अपना स्किन
टोन जो है उसको मैच करा लीजिए एंड नायका में या फिर टीरा ब्यूटी में या फिर पर्पल में उसका सेल का वेट कीजिएगा, तो ये जो है मतलब कंसीलर या फिर हाई एंड जो ल्यूक्स प्रोडक्ट है वो आप लोग को डिस्काउंट में मिलेगा, क्योंकि नायका में मैं नोटिस की हूँ कि ह्यूज डिस्काउंट्स होता है, तो मुझे ये डिस्काउंट में मिला था। एंड इसके साथ मुझे याद है एक शेड मैच करने का एक लाइक स्लिप टाइप का दिया था, और उसके साथ इसका टू फेस्ड का मुझे मस्कारा भी मिला था, बेटर देन सेक्स वाला जो मस्कारा है, दैट्स वेरी फेमस मस्कारा, वो मुझे फ्री मिला था। सो टू फेस्ड का ये जो मस्कारा सॉरी कंसीलर है बॉर्न दिस वे, माय शेड इज कैरामेल एंड दिस कंसीलर इज ब्लेंडिंग लाइक ड्रीम। I honestly I have stopped using foundation once I got this concealer, क्योंकि इतना सा लगता है, एकदम छोटा लाइक पी अमाउंट में लगता है, एंड आपका जो फ्लॉज है इट्स ब्लेंडिंग लाइक एनीथिंग, आपका जो फेस है इट विल लाइक, मेडम फेस में बहुत सारे एक्ने मार्क्स है, एक्ने पोर्स है, बट आई एम यूजिंग दिस मच लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड इट्स ब्लेंडिंग लाइक मैजिक, लाइक इट्स शोइंग मेरे स्किन में कोई पोर नहीं है, कोई एक्ने मार्क नहीं है, इट्स ब्लेंडिंग लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली आई एम यूजिंग द एल्फ ब्रशेज टू ब्लेंड माई कंसीलर, सो उसमें दोनों का जो पेयरिंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आप लोग के साथ वो शेयर भी कर रही हूँ। अगर गुड कंसीलर या फाउंडेशन में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आई फील द टू फेस्ड बॉर्न दिस वे कंसीलर इज अ मस्ट बाय, तो आप लोग इसको खरीद सकते हो। द नेक्स्ट थिंग विच आई एम लविंग राइट नाउ इज द स्विस ब्यूटी मैट लिप लाइनर्स। These lip liners are really really pocket friendly. Three lip liners मुझे मिला था 155.25 rupees में. So these are the lip liners Swiss Beauty का. तीन lip liner मुझे मिला है 155.25 rupees में. And this lip liner it's melting like आपके skin में यह butter जैसा, आपके lips में यह butter जैसा flow करेगा. So and ये long lasting भी है, अगर आप लोग खाना भी खा रहे हो तो वो रह जाएगा, lipstick आपका भले ही उड़ जाए, क्योंकि मेरे होंठ में lipstick कभी नहीं रहता है, हमेशा उड़ जाता है, whatever I do it will not stay. But the lip liner like it's not that expensive, it's like very cheap. And it's staying like dream. तो मैं वो चीज नोटिस की कि इट्स स्टेइंग फॉर 7 to 8 hours ऑन माई स्किन। अगर आप लोग के पास ये लिप लाइनर है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि आप लोग के लिप्स में कितना देर तक रह रहा है, बट मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग लग रहा है, लाइक 7 to 8 hours फॉर अ लिप लाइनर इज लाइक ऑफ दिस प्राइस रेंज लाइक 155.25 रुपीज आई गेस इज अ गुड परचेज। The next thing which I'm enjoying in the month of February is the K Beauty blush, Rustic Rush naam hai. This is the blush. This has become my favorite blush. मैं cream blush उतना use नहीं करती, मैं powder blush ही use करती थी, but ये वाला blush बहुत ही अच्छा है। इसका भी आपको बहुत स्मॉल अमाउंट लेना होगा एंड मैं जो है मेरा चीक्स में इसको लगा लेती हूँ, इतना सा अमाउंट में अच्छे से आपको ब्लेंड करना है एंड इट विल गिव यू द ड्यूई फिनिश, लाइक बहुत ही सुंदर से ग्लोई सा फिनिश आएगा। नोज पे चीक्स में लगा लीजिए एंड जस्ट हाथ से ब्लेंड कर लीजिए, बट कीप इन माइंड कि ये जो प्रोडक्ट है आपको बहुत स्मॉल अमाउंट पे लेना है, अगर आप ज्यादा लगा लोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा थोड़ा सा लेकर लेना इतू सा एंड अपने स्किन में लगाना, अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा, क्योंकि ब्लश एकदम फ्लश होता है, अपना चेहरे का जो फ्लश आउट लाइक रश ऑफ ब्लड वैसे टाइप का लगना चाहिए ना, ज्यादा लगा लोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सो द ब्लश द प्राइस ऑफ दिस ब्लश इज 637 रुपीज, मतलब मुझे मिला था नायका से, क्योंकि सेल चल रहा है ऑब्वियसली। मैं शायद से ये ब्लश नायका पिंक हार्ट सेल में खरीदी थी या फिर वैलेंटाइन्स डे सेल पे मैं ये वाला ब्लश खरीदी हूँ, एंड दिस ब्लश गिव्स यू लाइक वो कोरल वाला जो ब्लश होता है ना, मुझे लगता है कि मेरे स्किन टोन में कोरल ब्लशेस बहुत अच्छा लगता है, मेरा जो कैरामल स्किन टोन है रियली रियली लुक्स गुड, लाइक वो समुंदर के साइड में जब आप टैन हो जाते हो जो स्किन का कलर हो जाता है, इट्स लिटरली दैट। सो ये चीज आप लोग अगर मेरे स्किन टोन के हो कैरामल स्किन टोन तो आप लोग वो ये डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, बट
दिस ब्लश इज रियली रियली नाइस एंड दिस इज वेरी आई फील दिस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली बट माई एडवाइस प्लीज वेट फॉर द सेल टू गो ऑन तो आपको सस्ता में मिल जाएगा क्योंकि नायका में ह्यूज ऑफर्स रहता है. दिस ब्लश एक्चुअली आई गेस कुछ 800 समथिंग का है बट आई गॉट इट फॉर 200 रुपीज लेस दैट्स फॉर 637 रुपीज. द नेक्स्ट थिंग विच आई एम एंजॉइंग राइट नाउ इज द पैक ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. This is the pack translucent powder. The shade is 04 and ये eyes के नीचे and bake करने के लिए मुझे help कर रहा है. Like I use compact after doing my foundation, like after doing my base and after doing my whole makeup, I use compact to blend like to tie the makeup together. But eyes के नीचे and cheeks में आप लोग को अगर bake करना है, if in case you know what baking means, like मुझे तो नहीं पता था but definitely I came to know about it. So आपको अगर baking अच्छा लगता है ना, आप लोग के पास dark circles हैं, तो the translucent powder is a very good thing. So आप अच्छे से अपना concealer लगाने के बाद translucent powder से अगर वो चीज़ blend कर लोगे तो वो long lasting होगा, क्रीज नहीं आएगा. मतलब आईज के नीचे जो क्रैक्स होता है या फिर मार्क्स होता है उसमें ना कंसीलर जम जाता है, वो नहीं होगा अगर आप लोग ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज करोगे. तो मुझे लगता है कि 04 जो शेड है वो मेरे स्किन टोन के साथ सूट करता है. बट आई गेस आई एम श्योर अबाउट इट कि ट्रांसल्यूसेंट पाउडर और एक शेड में है फॉर अदर स्किन टोन्स, तो आप लोग वो भी देख सकते हो. बट फॉर मी, फॉर माई स्किन टोन, आई फाइंड द 04 शेड टू बी सूटेबल. एंड द प्राइस पॉइंट ऑफ this translucent powder was 195 rupees. The next beauty product which I am enjoying right now is the Miniso Vitamin E Nail Polish Remover. This is the one. इसका प्राइस है 60 रुपीज. मैं मिनिसो का स्टोर से इसको ली हूँ एंड मुझे बहुत दिन बाद मैं ऑनेस्टली आप लोग को बोलूंगी दिस इज लाइक सो पॉकेट फ्रेंडली. 60 रुपीज में 30 वाइप्स आपको मिलेगा एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत दिन बाद ऐसा रिमूवर लाइक मैं यूज कर रही हूँ. जनरली मैं वो बॉटल वाला जो रिमूवर होता है मैं वो खरीदती हूँ एंड आई रिमूव माई नेल पेंट्स यूजिंग कॉटन. मैं मुझे वो जो था वो जो काम होता था मतलब नेल पेंट रिमूव करने का, इट यूज टू बी अ वेरी हेक्टिक थिंग फॉर मी क्योंकि इतना बार आप डिप करो फिर रिमूव करो. कभी कभी आप जितना भी एक्सपेंसिव रिमूवर लो आपका नेल पॉलिश नेल पेंट ठीक से रिमूव भी नहीं होता था आपका फिंगर्स से. सो दिस वन विच आई हैव परचेज मिनिसो का जो ये विटामिन ई नेल पॉलिश रिमूवर है दिस हैज 30 वाइप्स एंड एक वाइप में आपका दोनों हाथ का एंड पैर का नाखून पूरा साफ हो जाएगा नेल पेंट से. लेकिन सो गुड, उसके बाद आपका मतलब रह भी जाएगा थोड़ा बहुत एसीटोन वो वाइप में. एंड इसमें ना हमको लगता है आई डोंट नो इफ इट हैज द थिंग बट आई फील दैट इसमें नेल ऑयल भी है. तो आपका जो नाखून रिमूवर से रिमूव करने के बाद नेल पेंट रिमूव करने के बाद जो एक ड्राई सा फीलिंग आता था वो नहीं आ रहा है ये वाला वाइप में. तो आप लोग ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. दिस इज द एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर फ्रॉम मिनिसो. आई हैव गॉट दिस फ्रॉम द स्टोर बट दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल इन द मिनिसो स्टोर. लाइक ऑनलाइन जो मिनिसो का लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा, अमेजोन से भी आप लोग को मिल जाएगा. द नेक्स्ट थिंग इट्स नॉट अ ब्यूटी प्रोडक्ट दैट्स इट्स अ परफ्यूम. इट्स द इनसाइड हार्ट बीट परफ्यूम. आई एम रियली रियली एंजॉइंग दिस परफ्यूम राइट नाउ. इट्स लाइक इसका प्राइस है 181 रुपीज. इज सो चीप एंड ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम आपके क्लोथ में रहेगा बट दिस इज रियली रियली नाइस. इसका स्मेल जो है इतना फ्लोरल, इतना ड्यूबी सा स्मेल है. लाइक इट्स अ वेरी गर्ली स्मेल. लाइक ये बहुत फ्रेग्रेंस जो है इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली. 2 to 3 आवर्स आपको इजिली लास्ट कर जाएगा. तो गाइज ये रहा आज का वीडियो. आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा. प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलूंगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.